बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको DHA वैली के एक अहम तरीन सेक्टर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सेक्टर्स का एक ओवरव्यू देख लें। इसमें जो सेक्टर शामिल हैं उसमें है ब्लूबेल, बोगनविला, डेफोडिल, डेजी, एग्लेंटाइन, लॉगसिनिया, आयरस, जैस्मीन, लिवेंडर, लिली, लोटस, मैग्नोलिया, मैरीगोल्ड, ओलियंडर, रोज, स्नोड्रॉप, सनफ्लावर, ट्यूलिप एंड जीनिया। ये टोटल 19 सेक्टर बनते हैं। इस 19 सेक्टर्स के अंदर जो तमाम सेक्टर्स पे काम नहीं हो रहा और तमाम में डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसमें से जिन सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रही है इनमें है ब्लूबेल, बोगनविला, डेफोडिल, उसके अलावा इसमें है ओलियंडर, मैग्नोलिया, रोज, और एक सेक्टर और है जिसमें काम हो रहा है या जिसमें डेवलपमेंट है, यस वो है लिली। ये टोटल इसमें जो सेक्टर हैं जिनके अंदर काम हो रहा है, जिसमें आपको कोई पोजीशन भी मिल रही है या जो चीज़ आपको सेल करनी है, इसमें एडवाइस ये कि इन जगहों पर लें, और वो भी लें जो पोजीशनेबल हो, नॉन पोजीशनेबल चीज़ मत लें। ये टोटल 7 सेक्टर हैं आउट ऑफ टोटल 19। अब जिस सेक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है मैग्नोलिया, वेरी इंपॉर्टेंट ओवरसीज सेक्टर। और इस सेक्टर की लोकेशन पहले मैं आपको बताऊंगा सिराब मैप्स के मैप के थ्रू, कि ये देखें कहाँ लोकेटेड है और इसके अंदर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। ये बेसिकली हम जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये ओलियंडर एवेन्यू के थ्रू आके राइट साइड पे मुड़ रहे हैं हम ओलियंडर ब्लॉक की तरफ, लेकिन इधर जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड पर जाना है। और लेफ्ट साइड पे जाकर जैसी आप ये सीधी लाइन होती है, इससे पहले तकरीबन 1.5 किलोमीटर का कच्चा ट्रैक है जिस पे आजकल हम जाते हैं। ऑल दो रोड भी बन गई लेकिन उसका स्टेटस मैं आपको बताऊंगा। और मैग्नोलिया ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम, ये सिराब मैप जिसके ऊपर अंदर गूगल मैप्स की लेयर है, ये कैसे नज़र आ रहा है इसको मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊँगा, एरियल व्यू भी दिखाऊँगा और लेटेस्ट स्टेटस भी इसका दिखाऊँगा विद प्राइस, मेरे साथ रहिएगा। इसके साथ जो दूसरा अहम तरीन सेक्टर है वो है बोगनविला। इसके अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है लेकिन अभी इस काबिल नहीं कि इसमें रहा जा सके। ये सबसे बड़ा नहीं तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सेक्टर है इसका पूरी DHA वैली का। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जैसे मैं आपको इसको ओवरव्यू दिखाऊँगा उससे आप कंपेयर कर लें। जो इसके अलावा जो सेक्टर है वो प्रॉबली जो सबसे बड़ा होगा वो होगा ब्लूबेल। ये देखें मैग्नोलिया की आउटलाइन है, ये मैग्नोलिया सेक्टर है, उसमें जो डेवलप एरिया आपको नज़र आ रहा है जो ग्रीन नहीं है वो तकरीबन 50% है। इसी तरह इसके साथ है बोगनविला। बोगनविला का साइज़ जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये देख लें कितना बड़ा साइज़ है इसका। इसके अंदर भी आपको ये जो ग्रीन के अलावा जो मट्टी वाला इलाका नज़र आ रहा है, एक्चुअली डिवेलपमेंट का काम शुरू हुआ है लेकिन अभी किसी ऐसी स्टेज पर नहीं कि ये लिवेबल हो सके। सो इट्स अ वेरी बिग सेक्टर एंड वेरी ब्यूटिफुल, मैग्नोलिया एंड बोगनविला बोथ। बट मैग्नोलिया इज प्रेजेंटली बहुत ज़बरदस्त डिवेलपमेंट हुई है। ये ओवरऑल तमाम सेक्टर्स को देख लें, ये रेड वाला ब्लू बेल है और ये बोगनविला, इनके साइज़ को कंपेयर कर लें तो दिस इज लार्जेस्ट वन। अब ये कलर सईदा रोड से हम अप्रोच बनाते हैं जैसे ही, तो ये कलर सईदा रोड से मेन जो ओलियंडर एवेन्यू, यहाँ से आके आप यहाँ से राइट साइड पर टर्न होते हैं ओलियंडर सेक्टर के लिए, जबकि बोगनविला में जाने के लिए जो बैंड है इस बैंड से आपने लेफ्ट को चले जाना है। ये थोड़ा और इसको लार्ज करके जैसे ये इससे आए, ये रोड 5 है ओलियंडर सेक्टर का जिस पे आपने टर्न कर गए, हम इधर नहीं टर्न करना बल्कि ये जो कोना है इस कोने से आपको दो ट्रैक नज़र आ रहे होंगे, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। ये पुराना गूगल का मैप है जिसमें आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और बहुत खूबसूरत एक डुअल कैरिज यहाँ पर रोड बन गई, लेकिन यूज़ क्यों नहीं रही उसकी वजह बताएंगे। ये वाली रोड है, ये बेसिकली इस वक्त डुअल कैरिज रोड बन गई जो कि पुराना ट्रैक नज़र आ रहा है। इस पर अब नहीं जा सकते हम बिकॉज इसमें दरमियान में इसको थ्रू नहीं किया हुआ। हम जाएंगे इसके साथ जो लेफ्ट साइड पर ट्रैक है उसके थ्रू जाएंगे। अभी आपको मैप के थ्रू दिखा रहा हूँ, फिजिकली भी आपको ले जा कर इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। इसको ऊपर से बड़ा करें, ये देखें ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है इट इज़ एक्चुअली रोड। यहाँ से अब जाते हैं, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से लेके टिल दिस पॉइंट ये 1.5 किलोमीटर है, और ये जो सीधी रोड है ये बोगनविला और मैग्नोलिया को डायसेक्ट कर रही है, एक तरफ एक सेक्टर है दूसरी दूसरा।
डेवलपमेंट स्टेटस देख लें, और साथ ही इसके बाद मैं आपको एक एरियल व्यू दिखाता हूँ जो कि पुराना बना हुआ है फ्रॉम कलर सईदा रोड से जाते हुए, इन्हीं ट्रैक्स को दोबारा दिखाएंगे ताकि एक अच्छा फेयर आइडिया आ जाए आपको कि प्रेजेंट सिचुएशन ये देखें। कलर से ये रोड का वो टर्न बैंड, ये राइट साइड पर ट्रैक नज़र आ रहा है कच्चा, ये पुरानी है, और एक वो लेफ्ट साइड पर ट्रैक नज़र आ रहा है। ये जो ट्रैक है प्रेजेंटली दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर रोड। अब फिजिकली हम जाते हैं, ये कलर सईदा रोड के थ्रू हम ये जो मेन ओलियंडर एवेन्यू है इस पर जा रहे हैं। इस पर जैसे हम गुजरते हैं, ये इसके ऊपर से एक नाला आता है, नाला क्रॉस किया और करके जैसे हम सीधे हाइट के ऊपर पहुंचे, इस सामने एक मट्टी का ढेर नज़र आया। एक्चुअली दिस इज़ दी डुअल कैरिज रोड, इसको मट्टी रख के बंद किया बिकॉज इस पर हम जा नहीं सकते। देखें ये दोनों साइडों पर इसकी स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है, लेकिन मैंने बताया कि हम लेफ्ट वाले ट्रैक पर जाएंगे, तो लेफ्ट ट्रैक पर हम जैसे मुड़े ये इधर को थोड़ा सा आगे जाके राइट पे बैंड होगा। बैंड करने के बाद हम टर्न किया और ये हम नीचे गए, और ये नीचे एक डिप आता है, काफ़ी गहरा सा ऐसा डिप है, नीचे होके ऊपर जाना पड़ता है। एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पर जब बारिश होती है तो ये पानी यहाँ से मट्टी को बहा के ले जाता है, और उसकी वजह सिर्फ ये कि यहाँ पर ये राइट साइड पे कलवर्ट जो कि बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो मेन रोड अभी अंडर यूज़ नहीं है। ये देखें ये डिप, इसकी तस्वीर मैंने बताई, और राइट साइड पे देखें कलवर्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली दो कलवर्ट्स हैं, और एक्चुअल जो डुअल कैरिज रोड बनी हुई है वो आपको नज़र आ रही है, स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही हैं, ये वो कलवर्ट है जो भी बन रही है। इसके बनने में जितना भी टाइम लगेगा, 6 महीने 4 महीने, उसके बाद ये रोड इंशाल्लाह थ्रू हो जाएगी। अब ये लेफ्ट पे जो मैंने बताया था पैरेलल में कच्चा ट्रैक उसी रोड के जा रहा है, देखें राइट साइड पे स्ट्रीट लाइट्स और वो कंप्लीट रोड नज़र आ रही है। ये 1.5 किलोमीटर की रोड है जो बेसिकली ओलियंडर से लेकर आपको राइट इनटू दी मैग्नोलिया आपको ड्रॉप कर देती है, और मैग्नोलिया इज़ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, पोजीशन भी दे दिया हुआ है, और प्राइसेस भी इसमें अच्छी हैं। इसको तीन रास्ते लगते हैं, ब्लू बेल से, रोज से और कलर सैयदा से। बाकी जो दो रास्ते हैं वो इतने बेहतर नहीं है कि उसमें आप जा सकें, लेकिन ये जो कलर सैयदा वाला रोड है ये सबसे बेस्ट है। अब दोबारा उसी रोड को मैं आपको ऊपर कोने पर खड़े होकर यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये 8 अगस्त 2021 की तस्वीर है, और ये देखें कि ये वो रोड पूरी बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स बनी हैं, ये मट्टी सामने रख के लेफ्ट साइड पे देखें इसको बंद किया हुआ ताकि हर कोई जा ना सके। देन अगेन वी हैव एंटर इनटू दी सेक्टर, ये आप मैग्नोलिया के अंदर दोबारा आ गए। इसका जो डेवलपमेंट स्टेटस है ये आप देख सकते हैं, हाउ गुड इट इज़, ये बिल्कुल रेडी है, सिर्फ ये रोड की एक्सेस होने की वजह से यहाँ पर आप क्योंकि घर बना भी लें तो आए जाएंगे कैसे, बारिश होगी तो यू आर जस्ट ब्लॉक्ड, आप नहीं जा सकते। तो ये रोड अगर थ्रू हो जाए तो ये बिल्कुल 100% रेडी है रहने के लिए। इसमें आपको मशवरा है कि हमेशा वो फाइलें लेंगे जो पोजीशन वाली हैं, नॉन पोजिशनेबल फाइल्स ना लें। ये देखें एक एरियल व्यू, इसमें 5 और 8 मरला के रेजिडेंशियल और 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लाट हैं। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी कीमत 30 से 45 लाख के दरमियान। दोबारा ये एक फोटोग्राफ दिखाई ताकि एक पता लग जाए आपको, और जो कमर्शियल प्लॉट हैं वो 60, 65, 55 इसके दरमियान ये ट्रेड हो रहे हैं। उसके बाद ये देखें आप, दोबारा हम ओलियंड इसी मैग्नोलिया के अंदर घूम रहे हैं, और यहाँ से हम राइट साइड पे टर्न होंगे। ये वो डायसेक्टिंग रोड है जो बेसिकली लेफ्ट साइड पे इसकी बोगनविला है और राइट साइड पे मैग्नोलिया है। और जो बोगनविला का थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये अभी इसमें कंस्ट्रक्शन जस्ट डिवेलपमेंट का काम, नॉट कंस्ट्रक्शन, डिवेलपमेंट काम जस्ट शुरू हुआ है। बहुत अभी इसमें टाइम लगेगा बिकॉज ये आपको देखा है वैली पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे डेवलपमेंट में टाइम बहुत लगता है, वेरी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए यहाँ पे, हम हर आम आदमी यहाँ पर मशीन नहीं चला सकता। तो ये देखें इसका स्टेटस है, ये मैं उस डायसेक्टिंग रोड के ऊपर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, और ब्यूटीफुल वैली, और ये डायसेक्टिंग रोड है, और ये लेफ्ट साइड पर आप देखें ये मैग्नोलिया का बाकी पार्ट है। तो दिस वॉज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।